आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। जयपुर सहित मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश से लाखों पशुओं के लिए सूखे चारे का संकट मंडरा रहा है। कमी के चलते चारे के भाव भी आसमान छू रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार चारे के भावों में 2 गुना वृद्धि होकर 750 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। हालात ये है कि राजसमंद चारा भंडार में कड़ब की कुट्टी तक उपलब्ध नहीं है, इधर उधर कहीं मिल भी नहीं रही है। उसके भाव भी 9 से 12 रुपए किलो व गेहूं का चारा 13 रुपए किलो तक बिक रहा है। समय पर प्री मॉनसून की अच्छी बारिश से अधिकांश किसानों ने खरीफ फसल की बुआई कर दी थी। पशुओं के लिए चारा उत्पादन को लेकर किसान मक्का की फसल की ज्यादा बुआई करते हैं। इस बार खरीफ फसल अगेती व पछेली बोई तक हुई है। इससे फसल की कटाई के दौरान बारिश हो जाने से कड़ब भी कर काली पड़ गई है। इससे गुणवत्ता कम हो गई है, कई जगह तो खराब भी हो गई है फसलें। पछेती फसल में जो कड़ब कम रही, इसकी वजह से कड़ब व कूटी की कमी आई है। अनियमित बारिश से चारे का उत्पादन हर साल कम ही होता नजर आ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश से बड़ी मात्रा में कड़ब सोयाबीन का चारा लाकर बेचा जाता है। इस बार बेमौसम बारिश होने से चारा भी कर काला पड़ गया है, जो पशुओं के खाने के लायक भी नहीं बचा है। जिस स्थानों से चारा आता था वहां पर मक्का की कटाई के दौरान बारिश के पानी से कड़ब खराब हो गई थी। इससे मक्का की कुट्टी नहीं आ रही है। इससे पिछले वर्ष चारे के भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल थे, जो इस वर्ष 900 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।